हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेक्स्ट्रस कुक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मैं शेयर करती हूं हर हफ्ते एक यूनिक रेसिपी जो खाने में होती है बहुत ही टेस्टी, बनाने में होती है बहुत ही ईजी, और साथ ही साथ शेयर करती हूँ मैं हर वीडियो के एंड में अपनी रसोई के कुछ सीक्रेट्स। तो अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। आज की रेसिपी है वेज गलौटी कबाब। आपने ठीक सुना, वेज गलौटी कबाब, क्योंकि आज जो हम गलौटी कबाब बनाने वाले हैं उसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट वेज यूज़ किए हैं, और बेसिकली ये रेसिपी नॉन वेज से बनती है, बट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका एक वेज वर्जन। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, गलौटी कबाब, ऐसे कबाब जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, एकदम मेल्ट हो जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि गलौटी कबाब कैसे बनाया जाए, वो भी वेज इंग्रेडिएंट से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो टू माय किचन। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कबाब का मिक्सर कैसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए सबसे पहले एक गर्म पैन में मैं 2 चम्मच घी ले रही हूँ। उसमें मैं 2 से 3 मीडियम साइज बीटरूट्स को पीस के मैं इसमें भूनूंगी, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गार्लिक पीसते टाइम डाल सकते हैं, एक हरी मिर्ची डाल सकते हैं। और जब ये भुनेगा तो घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही मतलब सब लोग पूछने लगेंगे भाई आज क्या बन रहा है ऐसा। और आपको इसे भूनते टाइम फ्लेम एकदम हाई रखना है और इसका सारा मॉइस्चर सुखाना है। उसके बाद जब ये हो जाए, उसके बाद हमें डालना है इसमें 1 मीडियम साइज बॉइल्ड पोटैटो। उसको अच्छे से मैश कर लेना है बीटरूट के साथ। जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा आपका बीटरूट का कलर चेंज हो जाएगा, लाइट हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप कैश्यू पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आएगा आपके कबाब्स में। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच सत्तू पाउडर। सत्तू पाउडर बाइंडिंग के लिए बहुत हेल्प करता है, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देता है। याद ये रखना है आपको 2 चम्मच से ज़्यादा इसमें सत्तू पाउडर नहीं डालना है। ज़्यादा सत्तू आपके कबाब्स को ड्राई कर सकता है, तो आप बस 2 चम्मच इसे डालिए। ये आपको बाइंड करने में भी हेल्प करेगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी इसमें। और ये कबाब मिक्सर रेडी है, इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। कबाब मिक्सर रेडी है और हमें उसको स्पाइस अप करना है। तो स्पाइस अप करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च ली है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला। एक अच्छा फ्लेवर देगा आपके कबाब्स को, तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया है। और उसके बाद इसमें आप एरोमा के लिए या तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं या फिर दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। मुझे इलायची उतना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे दालचीनी पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी भी चीज़ का फ्लेवर दे सकते हैं, इसमें केसर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। सारे मसाले डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ पर तैयार है हमारा कबाब का मिक्सर। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि कबाब को शेप कैसा देना है। अपने कबाबों को अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सीख यूज कर रही हूँ, ये मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई है, तो सोचा इसे यूज कर लिया जाए। तो इन सीख पे मैं अपने कबाबों को बनाऊंगी, इसे ये थोड़े से फैंसी दिखेंगे और थोड़ा सा सेकने में इन्हें इजी होगा, इन्हें घुमाने में इजी होगा जब मैं इन्हें तवे पे सेक रही होंगी। तो अगर आपके पास सीख अवेलेबल नहीं है तो आप इसे नॉर्मल किसी भी शेप या आकार में आप बना सकते हैं, ये टेस्ट में वैसे ही लगेंगे, इसमें टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरीके से अपने सारे कबाबों को तैयार कर लीजिए और देखते हैं अगला स्टेप। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि इन कबाब्स को पकाना कैसे है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे पकाने के लिए भी घी यूज़ किया है, घी इस रेसिपी की जान है। तो आप घी यूज़ करें, तवे पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और उस पे अपने कबाब्स को रख दीजिए, और इन कबाब को एकदम लो फ्लेम पे पकाइए, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है हमें इसे, और इसे पलट पलट के हमें पकाना है। ये कबाब पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि इसका जो हमने मिक्सचर जब प्रिपेयर किया था तो सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया था, तो उसी टाइम सब चीज़ें पक चुकी हैं। यहाँ पे बस हमें इसको थोड़ा सा कलर देना है, हर चारों तरफ से इसे अच्छे से रोस्ट कर दीजिए और आपके कबाब बनके एकदम तैयार हो जाएंगे।
टाइम है इसे प्रेजेंट करने का और इसे इंजॉय करने का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज के स्लाइसेस करके डाले हैं और इसे मैं हरी चटनी और नींबू और हरी मिर्च के साथ सर्व करूंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे उसके साथ। बारी है टिप्स एंड ट्रिक्स की। जैसा कि आपने देखा कि ये गलौटी कबाब कितने इजीली बन गए, कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमने इसे बनाया। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था बीट रूट। तो बीट रूट कई लोग खाना पसंद नहीं करते, बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते, बट ये बहुत ही एक हेल्दी वेजिटेबल होती है, हमें इसे ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो आप इन तरीके के कबाब बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे, उन घर के मेम्बर्स को खिलाएंगे जिन्हें बीट रूट पसंद नहीं है, तो यकीन मानिए वो कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं कर पाएंगे। ये कबाब बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही हेल्दी हैं। अब बारी है टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो इसमें पहली टिप मैं ये दूंगी कि जब भी आप बीट रूट को पीस रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल पानी ना डालें, इसे धीरे धीरे करके पीसें। अगर ज़्यादा बीट रूट आप पीस रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो इसको 2-3 भागों में डिवाइड करके इसे पीस लीजिए, बट इसमें पानी बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि अगर आपने पानी डाला तो आपको इसे बाइंड करने में दिक्कत होगी। बाइंड करने में जो आपको दिक्कत होगी, या तो आप इसमें डाल देंगे सत्तू या फिर आप इसमें भुना बेसन डाल देंगे, तो वो आपके कबाब को कर देंगे ड्राई। तो हम नहीं चाहते कि आपके कबाब ड्राई हो, तो इसमें पानी बिल्कुल मत डालिए बीट रूट को पीसते टाइम। टिप नंबर 2, देसी घी इस रेसिपी की जान है। अगर आपने देसी घी की जगह कोई और साधारण ऑयल ले लिया, फिर बटर ले लिया, तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ और जो कि लखनऊ के नवाब लोग इंजॉय करते थे, क्योंकि वहाँ पे भी ये लोग देसी ये कबाब देसी घी में ही बनते थे। तो आप याद रखें, ऐसे आप देसी घी में ही बनाएं। टिप नंबर 3, कबाब को पकाते टाइम आप इस फ्लेम को एकदम लो रखें। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर पकाया तो कबाब का जो मॉइस्चर है वो भाप बन के उड़ जाएगा, कबाब आपके ड्राई हो जाएंगे, और जो आपके कबाब ड्राई हो गए तो आपको सेकने में होने वाली उसे बहुत दिक्कत, क्योंकि ये लगेंगे टूटने। तो याद रखें कि कबाब को हमेशा लो फ्लेम पे पकाएं। अगर आपको लग रहा है इनका मॉइस्चर थोड़ा कम हो रहा है, तो थोड़ा सा घी लें ब्रश पे और उसे हल्का सा उस पे लगा दें, ताकि आपके कबाब का मॉइस्चर बना रहे। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे तो आपके कबाब भी एकदम मज़ेदार बनेंगे, फुल ऑफ मॉइस्चर बनेंगे, फुल ऑफ फ्लेवर बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी रेसिपी को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ और भी क्या रेसिपीज़ आपने देखना पसंद करेंगे, या फिर ऐसी कौन सी वेजिटेबल हैं जो आपके घर में बच्चों को पसंद नहीं है या फिर आपके घर के लोगों को पसंद नहीं है। मैं ट्राई करूँगी कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाना उन वेजिटेबल से। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप कुकिंग, कीप ईटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।